हेलो फ्रेंड्स, स्टडी रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 10 नवंबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं, और अब जो वेटेज हो गया हमारे करंट अफेयर्स का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए फ्रेंड्स, हम डेली करंट अफेयर्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ अवेलेबल मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 10 नवंबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में 49वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में सही आंसर किया है। 49वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर 2018 तक, कब से कब तक? 20 नवंबर से 28 नवंबर 2018 तक आयोजित किया जाएगा। और इसराइल को 49वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में चुना गया है। किसको फोकस देश के रूप में चुना गया है? इसराइल को। और झारखंड को 49वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 के लिए फोकस राज्य के रूप में चुना गया है। फोकस राज्य के रूप में झारखंड को और फोकस देश के रूप में इसराइल को। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर गोवा है। तो गोवा के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी। गोवा के जो CM है वो है मनोहर परिकर। गोवा की जो गवर्नर है वो है मृदुला सिन्हा। तो इतने पॉइंट आपको गोवा से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर करने और पुष्टि करने की मंजूरी दे दी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। मोरक्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच एक प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर करने और पुष्टि करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये समझौता क्या है? तो ये समझौता गंभीर अपराधों के आरोपी भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी आधार प्रदान करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यह संधि भारत और मोरक्को दोनों के राष्ट्रीय हित के खिलाफ कार्यरत आपराधिक तत्वों से निपटने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मोरक्को है। तो मोरक्को के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मोरक्को की जो कैपिटल है वो है रबत। मोरक्को की जो करेंसी है वो है मोरक्कन दिरहम। और मोरक्को के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है सादेदाइन ओथमानी। तो इतने पॉइंट आपको मोरक्को से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की 13वीं अनुसूची के तहत आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय विजयनगरम जिले में स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार और मैं बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की 13वीं अनुसूची के तहत आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय विजयनगरम जिले में स्थापित किया जाएगा। और इसने केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 420 करोड़ रुपये, कितने? 420 करोड़ रुपये की निधि को मंजूरी दी है। अब इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के जो CM है वो है N चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हन। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत 2019 की शुरुआत से किस देश को कच्ची चीनी निर्यात करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत 2019 की शुरुआत से चीन को कच्ची चीनी निर्यात करेगा। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन और COFCO चीन की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने 15,000 टन, कितने?
15,000 टन कच्ची चीनी के निर्यात के लिए अनुबंध में प्रवेश किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और गैर बासमती चावल के बाद कच्ची चीनी दूसरा उत्पाद है जो चीन भारत से आयात करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत 2018 में 32 मिलियन टन उत्पादन के साथ, कितने, 32 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, चीन से रिलेटेड जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। भारत ने शंघाई में चीन की पहली अंतर्राष्ट्रीय आयात प्रदर्शनी में भाग लिया। चीन के चांगशा में कृषि और ग्रामीण विकास पर 20 से अधिक देशों ने चांगशा घोषणा पर हस्ताक्षर किए। चीन फ्रांस ने समुद्र विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये तीनों पॉइंट रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे हैं चीन से, तो ये हमने देख लिए। अब फ्रेंड्स, चीन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। चीन की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी और युआन। और चीन के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। तो इतने पॉइंट आपको चीन से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, और वह प्रथम विश्व युद्ध के अंत की शताब्दी मनाने के लिए आयोजित पेरिस पीस फोरम, पेरिस पीस फोरम में भाग लेंगे। पेरिस पीस फोरम में भाग लेंगे और पेरिस पीस फोरम का उद्देश्य बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक शासन संस्थानों के सुधार के महत्व की पुष्टि करने के लिए एक वैश्विक मंच स्थापित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और मैं बता देता हूँ। वह प्रथम विश्व युद्ध के अंत की शताब्दी मनाने के लिए आयोजित पेरिस पीस फोरम में भाग लेंगे और पेरिस पीस फोरम का उद्देश्य बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक शासन संस्थानों के सुधार के महत्व की पुष्टि करने के लिए एक वैश्विक मंच स्थापित करना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रांस है। तो फ्रांस के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो है इमानुअल मैक्रोन। तो इतने पॉइंट आपको फ्रांस से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम और रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली। इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम और रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए भारत और इटली के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह समझौता ज्ञापन उचित काम को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा गतिविधियों के विस्तार की सुविधा प्रदान करेगा और विभिन्न सामाजिक भागीदारियों के लिए नए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने में भी मदद करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर इटली है। तो इटली के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 24वें संस्करण की मेजबानी करेगा जिसमें इटली साझेदार देश होगा। ये हमने देखा था करंट अफेयर्स। भारत प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 24वें संस्करण की मेजबानी करेगा जिसमें साझेदार देश कौन होगा? इटली होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इटली के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इटली की जो कैपिटल है वो है रोम। इटली की जो करेंसी है वो है यूरो। और इटली के जो प्रेसिडेंट है वो है सर्गियो माथारेला। तो इतने पॉइंट आपको इटली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के वाइस चीफ की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के वाइस चीफ की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी हैं। वाइस चीफ 500 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई, कितने, 500 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई सीमा के साथ मौजूदा शक्तियां की तुलना में 5 गुना अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए खरीद में शामिल निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। इसका जो उद्देश्य है वो सशस्त्र बलों के लिए खरीद में शामिल निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कितने हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत
6 गैर मेट्रो हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दिया। और ये 6 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, त्रिवेंद्रपुरम और मंगलुरु। एक बार और रिपीट कर देता हूं, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, त्रिवेंद्रपुरम और मंगलुरु, इन सभी हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा। और वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और कोचीन में हवाई अड्डे सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल के तहत प्रबंधित किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सौरभ चौधरी ने कुवैत सिटी कुवैत में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्तौल जूनियर पुरुषों के इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुवैत सिटी कुवैत में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्तौल जूनियर पुरुषों के इवेंट में सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। नाम आपको याद रखना है, और उन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने एशियाई खेलों में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था 2018 अगस्त में, एशियाई खेलों में। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने सितंबर 2018 में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, और अक्टूबर 2018 में अर्जेंटीना में युवा ओलंपिक खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगस्त 2018 में इन्होंने एशियाई खेलों में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता, सितंबर में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, और अक्टूबर 2018 में अर्जेंटीना में युवा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल सरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल सरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के फ्रांसीसी राजदूत अलेक्जेंडे जिगलर द्वारा, किसके द्वारा? अलेक्जेंडे जिगलर द्वारा जवाहरलाल सरीन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर दिया गया था। क्या दिया गया था? नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर दिया गया। और उन्हें भारत फ्रेंच सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और फ्रेंच भाषा को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे दुबई में ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद कुमार। आनंद कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणितज्ञ और सुपर 30 संस्थापक आनंद कुमार को दुबई में ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्हें सम्मानित तो किया गया, पर क्यों किया गया? तो इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान और कई प्रतिभाशाली छात्रों के जीवन को प्रकाशित करने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह पुरस्कार मालाबार गोल्ड्स एवं डायमंड्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो एक प्रमुख भारतीय व्यापार समूह मालाबार समूह की एक प्रमुख कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। फ्रेंड्स, आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कहाँ मो बस सेवा शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स, मैं डेटा इंक्रीज कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही डेटा मेरे पास तैयार हो जाएगा, मैं आपको वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिसेंटली करंट अफेयर्स, वो मैं पूरे वीडियो में बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, उस पर काम चल रहा है, मैं डेटा तैयार कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।